जम्मू कश्मीर के अंदर महकमा तालीम के लिए एक बड़ी कामयाबी है, और कामयाबी यह है कि जो बच्चे अभी तक स्कूल नहीं जा सके थे किसी वजह से भी, चाहे वजूहत कुछ भी हो, उनको सामने लाने के लिए, उनकी निशानदेही करने के लिए, आइडेंटिफाई उन बच्चों को करने के लिए, जो OOSC थे, जो टीचर्स हैं वो ही जानते हैं, टीचर्स के लिए भी आसानियां पैदा कर दी गई हैं, और आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन जिनको हम कहते हैं, किसी वजह से स्कूल से वो बाहर थे, उन सभी बच्चों को स्कूलों में लाने के लिए एक तलाश नाम का काम शुरू किया गया। तलाश नाम से एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई। मौजूदा वक्त में हाल यह है कि मई 2022 का गालिबन पहला हफ्ता था, डिपार्टमेंट ने एक बड़ा कदम उठाया। उस बड़े कदम के तहत एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ मिलकर समग्र शिक्षा अभियान के तहत काम करने की एक पहल की गई, और उस पहल को आगे ले जाते हुए आज जो अपडेट है वो ये कि करीब 27,000 बच्चों को, जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन के इस जुमरे में आते थे, तलाश नाम की एप्लीकेशन है, ये स्कीम है, जो ऑनलाइन वेब पोर्टल भी है जिसके जरिए पता चलता है कि कितने साल बच्चे की उम्र है, क्यों स्कूल से बाहर रहा, कौन सा इसका करीबी स्कूल है, और वहां पर इसे कितनी जल्दी ले जाया जा सकता है तालीमी सरगर्मियों में इसे मुलव्वस रखने के लिए। हुआ ये क्या कि 27,000 बच्चों को डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ने अभी तक जो है वो एनरोल कर दिया है। ये एक बड़ी कामयाबी है एजुकेशन डिपार्टमेंट की, और इसमें सबसे बड़ा रोल अगर किसी का है तो वो टीचर्स का है, जिनके लिए खुशखबरी ये है कि आने वाले दिनों में सरकार ये कह रही है कि टीचर्स ही ऐसे हैं जो एजुकेशन डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस को और बेहतर कर सकते हैं। यानी सारा का सारा जो दारोमदार है, सारा एतमाद जो है वो, या भरोसा कह लीजिए, वो इन उसातिज़ा पर, टीचर्स पर जताया जाए, जिनमें SSA हैं, जनरल लाइन टीचर्स हैं, RETs हैं, बाद में परमानेंट हुए हैं, जबरदस्त खिदमत उन तमाम लोगों की कोविड के दौरान। सबसे बड़ी बात यह है कि इन लोगों ने वापस बच्चों को स्कूलों तक लाने के लिए या उनके लिए काम करने के लिए सबसे बारीक पहलू पर अगर काम किया तो टीचर्स ने, और वो बारीक पहलू था कि बच्चे कोविड के दौरान स्कूल तो लाए जाए लेकिन आइडेंटिफाई कैसे हो। फिर ये हुआ कि ऑफलाइन क्लासेस, घर जाकर पढ़ाना, अपने लेवल पर एलिमेंट्री क्लासेस लेना, बेसिक एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट था वो यहां पर मुतारिफ कराना, जिससे सरकार काफी ज्यादा मुतासिर हुई। आज OOSCs यानी आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन के 27,000 की तादाद जो है तलाश नाम की इस एप्लीकेशन के और स्कीम के जरिए जो है वो स्कूलों तक पहुंचा दिए गए हैं। ये बड़ी कामयाबी है, और एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर जो जराया है वो ये भी बताते हैं कि कुछ स्कूलों को जम किया जा सकता है जहां पर एनरोलमेंट कम है, लेकिन ये जो नए बच्चे हैं ये उस पुराने वैकेंसी को, उस पुराने जो, अगर किसी स्कूल की कैपेसिटी है जहां पर 100 बच्चा बैठ सकता है तो वहां पर 30 ही क्यों है, तो करीब वाले स्कूल में अगर लगता है कि यहां मर्जर हो सकता है तो ठीक है वहां पर, वरना इसका दूसरा जो पहलू है वो ये हो सकता है कि इंतजामिया आने वाले दिनों में इस बात पर गौर कर सकती है, जो हमारे जराए बता रहे हैं। अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन इस पर कोई नहीं है, जो मैं अपनी जगह कंफर्म कर पाया हूं कि स्कूलों का मर्जर जो है, जिस तरीके से माजी में भी कुछ ऐसे हुए इकदाम, ये कोई नया कदम नहीं है, लेकिन वो उठाए जाएंगे। दूसरा, टीचर्स से कहा जाएगा कि जिन जिन एरियाज के अंदर वो हैं आप खुद देखिए, जिस बच्चे से आपकी बात होती है, इंटरेक्ट करते हैं, पता चलता है कि वो बच्चा स्कूल के बाहर आज तक रहा तो उसे कोई किसी की परवाह नहीं, ना उसकी परवाह किसी को है, तो आपने परवाह करनी है। तो टीचर्स के लिए आने वाले दिनों में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर। बावसूख जराए बताते हैं कि अनआइडेंटिफाइड बच्चे या आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन को वापस एनरोल करने के लिए, तालीमी सरगर्मियों का हिस्सा बनाने के लिए एक बड़ा कदम शुरू होगा। 27,000 बच्चों को अभी तक एनरोल किया जा चुका है, और महकमा तालीम की एक बड़ी कामयाबी भी इसे माना जा रहा है। होप्स हो कि वो तमाम बच्चे जो फुटपाथ पर दाएं बाएं आपको चाइल्ड लेबर का हिस्सा बनते हुए नजर आए उनको भी अंदर लाया जाए, लेकिन ये वाहिद टीचर ही हैं जो कर सकते हैं, और हमें जो पता चला है कि टीचर्स को ही आने वाले दिनों में जिम्मेदारी दी जाएगी। एजुकेशन डिपार्टमेंट एक प्लान पर काम कर रहा है, और जब तक एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत मार्च सेशन का आगाज होगा, वो तो मार्च की शुरुआत से होना है, तब तक इस काम पर प्लान जो है वो बनाकर हिकमत अमली के साथ काम जो है वो मनसूबाबंद तरीके से किया जाएगा।